अफगानिस्तान के हालात को लेकर पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले हर अल्पसंख्यक की मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद मुल्क में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सकुशल स्वदेश लाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार कोशिशों में लगी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने काबुल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी का वादा किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत से मदद की आस कर रहे अफगानिस्तान के नागरिकों को देश में शरण देने की बात कही है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों को भारत में शरण देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों के बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई। बैठक में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। इसके अलावा एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों को शरण देने की बात कही है। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि भारत को न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं, और हमें अपने अफगान भाइयों और बहनों को भी हर संभव सहायता करनी चाहिए जो मदद के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। बता दें कि अफगानिस्तान के हालात और दुनिया की प्रतिक्रियाओं पर भारत नजर बनाए हुए है। बीते दिन मंगलवार को वायुसेना के विमान के जरिए अफगानिस्तान में राजदूत और भारतीय दूतावास के कर्मचारियों समेत 120 से अधिक लोगों को काबुल से देश वापस लाया गया। इसके अलावा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के विदेश मंत्रालय की विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक विदेश मंत्रालय की ओर से 24 घंटे चलने वाले विशेष अफगानिस्तान सेल के नंबर भी जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में डर का माहौल है। दुनिया के देश अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने में जुटे हैं। बता दें कि रविवार को तालिबानी लड़ाकों ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। पहले ही तालिबान अफगानिस्तान के अधिकतर हिस्सों को कब्जे में ले चुका था, लेकिन काबुल पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान की सरकार ने घुटने टेक दिए। राष्ट्रपति गनी देश छोड़कर चले गए और लोगों में भी अफरा तफरी मची हुई है। फिलहाल तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो चुका है।